हाय गाइस, आज हम आ गए हैं DSC की फैक्ट्री। जो DSC है, दैट स्टैंड फॉर डीलर स्पोर्ट्स कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया। और मेरे साथ है पुलकित, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और ये ही DSC का सारा संभालते हैं। तो आज मैं और पुलकित आपको DSC का टूर करवाएंगे फैक्ट्री का, और कुछ इन्हीं से जानते हैं, कुछ बैट से जुड़े अमेजिंग फैक्ट। तो नितेश, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, बेसिकली ये क्रिकेट बैट है जो आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर के हाथ में देखते हो, वो बेसिकली एक पीस ऑफ वुड से स्टार्ट होता है। ये अलग अलग ग्रेड्स में आता है। इसकी जैसे आप देख रहे हो, पूरी फुल वाइट वुड है। इसका जो पिंग है, जो स्टिक क्रिस्प है, वो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर बैट्स में नॉट रहती हैं, अलग अलग जो तरह की वुड रहती हैं, इसका जो पिंग पिकअप सब चीज़ आप देखो, फील करो, लाइट वेट है, काफ़ी लाइट है सच में। तो चाहे ये ग्रेड्स 4-5 हैं, लेकिन इससे आप दुनिया की कोई भी किसी भी बॉलर की बॉल फेस कर सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट है, वाइट वुड है, बहुत अच्छी वुड है। तो ये सबसे पहला स्टेप आप कह रहे हैं कि ये है, ये पीस ऑफ वुड है। इंग्लिश में लोग यहाँ से बैट शुरू होता है, जैसे आप देख रहे हैं, आप आजकल ये भी बहुत डिमांड में, हार्ड वुड। हार्ड वुड जी, ये थोड़ा हार्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लकड़ी वाइट रहती है। तो साइड है, बहुत प्लेयर आजकल खेलते हैं। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर है? आपके टेस्ट के, आपके साउंड के हिसाब से, आपको कौन सी साउंड पसंद है? दोनों में अलग अलग साउंड आएगी। तो हम आ गए हैं बैट क्राफ्टिंग के सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे बैट्स की क्राफ्टिंग हो रही है। तो आगे यहाँ पे पुलकित जी हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ जानते हैं इनसे इस सेक्शन में क्या क्या होता है। हाँ जी पुलकित जी, तो यहाँ पर सब क्राफ्टिंग हो रही है एज़ पर द वेट ऑफ द बैट। जितना बैट भारी है उतना इनको बैट को छीलना पड़ता है। उसी हिसाब से छीलते हैं कि जो बैट का थिकनेस है, जो बैट का केबिंग ज़्यादा ना हो। आजकल आप जानते हो, इनके पास हर कस्टमर की क्वेरी आती है, लाइकिंग्स आती हैं, सब सब फुल प्रोफाइल मांगते हैं। किसी ने मांगा पिन केबिंग वाला, फुल प्रोफाइल, नो पिन केबिंग, राइट। तो हमें, हमारी यही कोशिश रहती है, क्योंकि लकड़ी जो है भारी भी रहती है, हल्की भी रहती है, मीडियम भी रहती है, तो लकड़ी के हिसाब से ये अपना वजन निकालते रहे। तो मेरा आपसे एक क्वेरी बनती है, यहाँ पे जो क्लेफ्ट का औसतन वेट कितना रहता है रॉ? वो हर एक क्लेफ्ट की लेंथ अलग रहती है, तो किसी भी क्लेफ्ट का वेट दूसरे क्लेफ्ट के साथ मिलता नहीं होता कभी भी। तो एक टाइम पे कितने बैट प्रिपेयर होते हैं एक दिन में? 400-500 बैट हमारे मिलते हैं, जैसे कैश टी विलो भी है, टेनिस बैट भी आता है, इंग्लिश विलो भी आता है। तो ऑन डेली एवरेज आपका कहने का मतलब कि 400-500? ठीक है। ये हम एक रॉ बैट अभी उन्होंने मुझे दिखाया है, तो अभी आप देखेंगे। आई थिंक क्योंकि इसमें अभी हमने हैंडल पे कुछ काम करना रहेगा। अभी हैंडल कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बन जाता है। उसको हो गया आप ग्राउंड, इसका थिकनेस देखो, ये बैट ऑलमोस्ट बन चुका हुआ। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है, तो कैसे एक बैट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हर तरह की लकड़ी है, किसी में नॉट्स हैं, किसी में अलग तरह की ब्लेमिशेस हैं। ये बैट प्रेस हो रहा है, प्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बैट में, अदरवाइज प्रोफाइल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, गेट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये बैट प्रेस होता जा रहा है, उतनी इसका जो क्रिस्प है, इतनी लेयर्स जो है बनती जाएगी, जितना इतना प्रेस होता जाएगा उतना इतना पिंग, उतना उतना बैट बोलना शुरू हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये है कि अब क्या ये बैट हम प्लेयर्स को भेज सकते हैं, ड्रेसिंग के बाद के बिल्कुल रेडी है? ये बैट डेफिनेटली आप प्लेयर को भेज सकते हो, प्लेयर के हिसाब से ही बना है, प्रोफाइल सब वेट भी आ गया है। जो मेन हर किसी के दिमाग में रहता है रेडी टू प्ले, रेडी टू प्ले बैट एक्चुअल में नहीं होता कहीं भी, जो प्लेयर भी होता है वो भी एक महीना दो महीना हर एक बैट को, तो फिर वो नेट पे बैट
नॉक करके उसको प्रैक्टिस बैट बनाते हैं। फिर 6 महीने बाद आ समझो कि वो मैच बैट बनाता है। तो कोई भी बैट यहाँ का रेडी टू प्ले होता फैक्ट्री नॉकिंग फैक्ट्री प्रेस जून होता है। रेडी टू प्ले वाली जो स्टोरी है वो हर किसी को सही होता है रेडी टू प्ले वाला, लेकिन रेडी टू प्ले भी नेक्स्ट प्ले हमेशा नॉक करना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली कौन से प्लेयर्स को बैट दिए हैं आज के टूर्नामेंट आपको? देखो हमने उसमें क्वार्टर बैट भेजे थे, उसमें अभी डेविड मिलर को भेजे, अभी जो दुबई में सीरीज चली है आपकी टी ट्वेंटी कैंप की हुई है जो उन सब में प्लेयर्स को भेजे हैं। तो इसी यही बनाते हैं, इसी प्रेस में होती है, इसी प्रेस पे 150 किलोमीटर करा के जो आती है ये आइकॉनिक प्रेस है जहाँ पे सारे प्लेयर्स के बैट जाते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बैट का है। तो अंकित भाई अब हम आ गए हैं DSC के कश्मीर विलो वाले सेक्शन में, तो इसका एक फन फैक्ट आपको बताऊं मैं, और भाई साथ खड़े हैं तो झूठ बोलना तो बनता ही नहीं है। DSC ने शुरुआत कश्मीर विलो बैट से करी थी, आज से 25 से 30 साल पुरानी बात है ये। और आज की डेट में कश्मीर विलो बैट्स के प्लस क्रिकेट के वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर DSC बन चुका है। तो शुरुआत उनकी कश्मीर विलो बैट से ही हुई थी और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ऑल राइट, तो कश्मीर विलो इंग्लिश विलो जो आपके हाथ में बैट है ये मेरे ख्याल से टेनिस बैट है जो आप देख सकते हो इंडिया के हर नुक एंड कॉर्नर में, हर एक घर में ऐसा बैट होगा। पहले इंडिया में फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, इतने प्लेइंग बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, हर एक बच्चे एक टेनिस क्रिकेट से ही स्टार्ट करता है हमेशा, स्ट्रीट क्रिकेट जिसे हम बोलते हैं। आजकल जैसे सीजन बॉल के साथ प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, वैसे ही ग्राउंड पर टेनिस बॉल के मैच प्रोफेशनल मैचेस होते हैं। तो क्या पता जिससे अभी हम ये बैट से अभी देख रहे हैं ये किसी के अभी बच्चे के हाथ लगे और कल को वो इंडिया का एक प्लेयर ही बन जाए। तो मेरी आपसे क्वेरी बनती है, यहाँ पे जो टेनिस बैट होते हैं उनका वेट इक्वलेंट होता है कश्मीर और इंग्लिश विलो के कि थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है? टेनिस बैट्स का जो वेट कम रहता है हमेशा, ठीक है, हमने इस पर कोई बहुत हार्ड बॉल से खेलना नहीं होता, लाइट टेनिस बॉल रहता है हमेशा, जो इसका वेट रहता है 1000 ग्राम, लेस देन 1000 ग्राम रहता है इसका शोल्डर एज कम्पेयर टू इंग्लिश विलो पतला रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो। अदरवाइज कश्मीर विलो एक हाई डेंसिटी बैट, हाई डेंसिटी बुट है, भारी है, लाइट करने के लिए हम इसको कन्केव करते हैं टेनिस बैट, जैसे कि पीछे यहाँ पे भैया हैं वो कन्केव कर रहे हैं मेरे ख्याल से। एक बार आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो ऐसे कुछ लाइटर हो रहा है टेनिस बैट का। अंकित, जैसे कि आप स्कूप बैट की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूप बैट बनते कैसे हैं। ऑल राइट, DSC का स्कूप बैट बन रहा है अभी। निकलता है तो ये ऐसी एकदम प्रॉपर शेप में आ जाता है, तो आप देखिए कितना नीटली आया है ये सारा। तो ये है स्कूप बैट के पीछे की मेकिंग जो आज हमने बताई है, और इसमें अभी DSC का क्वालिटी चेक होगा, और जब तक ये क्वालिटी में पास नहीं होगा तो DSC से शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसकी क्या प्राइस स्टार्ट हो जाता है, क्या रेंज से आप इसको MRP पे देते हो? इसका नॉर्मली 2000-2500 से स्टार्ट होकर 3000-4000 अलग अलग प्राइस पॉइंट्स रहते हैं, हमेशा ट्रेडिंग के हिसाब से डिफर करता है। तो इसे हम हार्ड टेनिस से भी खेल सकते हैं और सॉफ्ट टेनिस से भी खेल सकते हैं? हार्ड टेनिस भी खेलते हो, सॉफ्ट टेनिस से भी खेल सकते हो, प्लास्टिक से खेल सकते हो, बस सीजन से नहीं खेलना, लेदर से नहीं खेलना। ऑल राइट, ये आपने डंडा क्या ले रखा अपने हाथ में, मारने के लिए तो नहीं ले रखा कहीं? ये सिंगापुर केन हैंडल है, जो भी हैंडल आइजर कश्मीर विलो पे लगता है, टेनिस बैट पे लगता है, इंग्लिश विलो पे लगता है, सब
सिंगापुर से आता है ये। ठीक है, जो आपने अभी अंदर स्कूप बैट की दिखाई मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी सेम यही लग रहा है? सेम नॉर्मल जो लोकल वेंडर्स हैं वो दूसरा इंडियन हैंडल लगाते हैं, लेकिन हमारे सब बैटों पे सिंगापुर के हैंडल्स ही लगते हैं सब पर। इसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर हैंडल। नितिश, मैं आपको दिखाता हूँ जो पीस ऑफ वुड आपने देखा वहाँ पे जी सिंगापुर हैंडल, उसको तीन स्प्लिट्स, तीन या चार या दो, डिपेंड अपॉन कि कौन सा लकड़ी है। कश्मीरी वालों पे अलग स्प्लिट्स होते हैं, इंग्लिश वालों पे अलग स्प्लिट्स होते हैं। इसको इसके बीच में हम ये रबड़ इंसर्ट करते हैं। तो ये कोई स्पेशल रबड़ होती है? ये स्पेशल रबड़ होती है जिससे हर तरह का जो शॉक एब्जॉर्ब है ना, जो बॉल का शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, ये रबड़ सारा एब्जॉर्ब कर लेता है हर एक तरह का शॉक। तो ये है कभी आपको, कभी आपको जब जब आप खेलते हो जी, तो बॉल लगता है आपको महसूस नहीं होता हाथों में, जो हाथों में महसूस होगा वो मतलब उसका हैंडल अच्छा नहीं। बहुत ही मेरे हिसाब से कम लोगों को पता होगा ये चीज़ कि एक्चुअल में जो ये रबड़ है वो शॉक एब्जॉर्प्शन करती है। इसमें तीन लेयर है ना? तीन लेयर है, तीन लेयर है, तभी हम इसको नाइन पीस केन हैंडल, जब आप ऑर्डर भी करते हो केन हैंडल चाहिए तो नाइन पीस केन हैंडल होता है। उसके अंदर ये स्टिक्स होती हैं, उसके अंदर रबड़स होते हैं, मतलब नाइन कट्स हैं वो। नाइन कट्स हैं वैसे, जितने कट्स ज़्यादा होते हैं उतना फ्लेक्सिबल होता है, उतना प्लेस भी अच्छा होता है। ज़्यादातर क्या कौन सा कट्स वाला है? मैक्सिमम जो प्लेयर्स के लिए रहता है वो 90s के अंदर रहता है, अदरवाइज 60s 90s ये दो सिक्स टू नाइन के सिक्स टू नाइन। जो कैश्मीर में रहता है वो 4 पीस रहता है कश्मीर में। तो आप शेप कैसे देते हो? मेरा आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि आप शेप कैसे देते हो, सेमी ओवल, प्रॉपर ओवल? वो आपको दिखाता हूँ उसका भी। ठीक है, आप पूछ रहे थे मुझसे राउंड हैंडल ओवल हैंडल कैसे बनता है। जी हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मुझे हैंडल जो रहता है वो आप समझो 30-32 mm डायमीटर में रहता है। अच्छा, इतना ग्रिप पकड़ना बहुत डिफिकल्ट रहता है हमेशा, तो उसको ये कि आपके ग्रिप के हिसाब से सही आ जाए उतना इसका साइज लग जाता है। ये देखो ये ओवर हैंडल है, ओवर हैंडल का ग्रिप हमेशा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू डाउन हैंडल। आप देखोगे आजकल ओवर हैंडल का ज़्यादा डिमांड रहता है, आजकल ओवर आपके लिए ज़्यादा सही है। तो बेसिकली जो राउंड हैंडल है उसको शेप देती है, उसको शेप देती है। ये जो किनारे बोलते हैं ये किनारे बाहर है पर ही अंदर है। तो आज के टाइम में कौन से प्लेयर्स हैं जो ओवल हैंडल यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम जो आप समझो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सारे ओवल, इंडियन प्लेयर थोड़े राउंड यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन सारे ओवल, इंग्लिश प्लेयर ओवल सारे ओवल ही, मैक्सिमम ओवल ही यूज होता है। आपने सारे प्रोसेस यहाँ पे दिखा दिए एक बैट कैसे तैयार होता है, कोई लास्ट में एक फाइनल टचअप वाला बैट आप दिखाएंगे प्लीज? जो लास्ट स्ट्रिंग है बैट मेकिंग की, चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली फिनिशिंग टच कैसे होता है क्रिकेट बैट। और जब ये जो हमारे सारे टेक्नीशियन से जुड़ोगे तो टेक्निकली इसकी सारी फिनिशिंग होती है, फिर आपका फिनिशिंग ये बैट कुछ ऐसा दिखता है, टोटली ही चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है जहाँ पर एक फाइनल टचअप देकर आप स्टिकर इसके ऊपर एम्बॉस करते हैं। ये फाइनल बैट की एकदम फिनिशिंग है, आफ्टर जो फिनिशिंग के बाद नजर इसके ऊपर बस ग्रेडिंग स्टिकरिंग बस और ग्रिप लगनी है बस, बहुत ही
अभी हमने देखा है कि बैट के प्रोसेस की कैसे उसकी प्रैक्टिक होती है, कैसे शेप आती है, कैसे स्कूप निकल के आता है पीछे से। तो अब हम फाइनल एक सेक्शन में पहुंच गए कि फिनिश बैट कैसा दिखता है और उसे फिनिशिंग में कैसे ग्रिप इस पे देखो बैट पे चढ़ाई जा रही है। ये देखिए मशीन के थ्रू सारा काम हो रहा है। ये देखिए ये ग्रिप निकल के आ गई है बैट पे जिसको भी हमने देखा है, और ये एकदम फिनिश बैट डीएसी का ऐसा नजर आता है।